ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश महाभारत वीर रस ओभीर रात्रि कालीन युद्ध और आठवें दिन के बाद और अठारहवें दिन के पहले वह रात कौन सी थी जिस दिन पांडव कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था वो रात चमत्कारी और भारी रात चौदहवें दिन की रात थी। पांडव दल के सेनापति द्रष्टद्युम्न और कौरव दल के सेनापति द्रोणाचार्य थे। द्रोण पर्व की कथा उस रात पूरी रात युद्ध हुआ था। सिर्फ दो घड़ी युद्ध बन रहा, एक घड़ी 24 मिनट की, दो घड़ी की 48 मिनट की। उस भारी रात में दो घड़ी के लिए युद्ध हुआ था, वो चौदहवें दिन की रात। आप कथा सुनेंगे ही रात। घोड़े वाले घोड़े से युद्ध कर रहे हैं, हाथी वाले हाथी से युद्ध कर रहे हैं, पैदल वाले पैदल वालों से युद्ध कर रहे हैं। तदंतर इसी पश्चात पांडव और पांचाल वीर जब आते हैं, चारों ओर से उनकी दृष्टि कर्ण पर पड़ती है। पांडव कहने लगते हैं कि यही पांडव का मेन दुश्मन है, यही पांडव का मेन शत्रु है, जो हर वक्त दुर्योधन की हां में हां मिलाता है। जीवन में सलाहकार अच्छा होना चाहिए, जीवन में सलाहकार होना अच्छा होना चाहिए। दुर्योधन ने जो भी बात कही उसके सलाहकारों ने सिर्फ उसके साथ हाँ में हाँ मिलाई। क्या कहते हैं सारे पांडव दल एक साथ इसे मार डालो करके कण के ऊपर टूट जाते हैं। क्या होता है, क्या कहते हैं Oh,
Yeah!
लड़ना है तो आ जाओ तुम। एक से एक मौके दिए, हम लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं चाहते थे, हमने बहुत मौके दिए, बहुत शांति संदेश भेजे। क्या कहते हैं मौके देते रहे और आप लोगों ने हर मौके का फायदा उठाकर धोखा पे धोखा धोखा पे धोखा धोखा पे धोखा देते रहे। क्या कहते हैं वो हमने तुम्हें मौका दिया तुमने धोखा दिया। बोलो बोलो आप वही हो ना। Let's go.
से कहते हैं पांडव की हम बड़ी बात नहीं करते, हम बड़ी बात नहीं करते, ऊंची उड़ान नहीं बनते। अरे बेईमानी से तो, बेईमानी से तो हम भी आकाश से तारे तोड़ कर लाने की बात कर सकते हैं कायर, पर हम जंग मैदान में गद्दारी नहीं करते। Let's go.